देखो, लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन में क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि अगर आपके पास कोई एक्स की वैल्यू टी रेज टू पावर 3 है, मान ले एक्स की वैल्यू टी रेज टू पावर 3 है, दैट इज़ कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है एक्स इज इक्वल टू टाइम रेज टू पावर 3, और मेरा क्वेश्चन है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखने का तरीका क्या होता है? डी एक्स बाय डी टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो वी इज इक्वल टू वॉट? डी एक्स बाई डी टी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? टी का क्यूब। तो यहाँ पर क्या आएगा? टी का क्यूब। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी की वैल्यू क्या आएगी? 3 नीचे 1 पावर कम। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर क्या आया? 3t2। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर मुझे एक्स गिवन है और मुझसे कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछता है तो मैं एक्स को डिफ्रेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाल सकता हूँ। सिमिलरली, अगर मुझसे कोई एक्सलरेशन पूछता है, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन का मतलब क्या होता है? dv बाय dt। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज कोई क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो यानी कि वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन आपको क्या देगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसमें अगर मैं एक्सेलरेशन में इस वेलोसिटी की वैल्यू को पुट कर दूं, जो कि क्या आया? 3t2, तो मेरे पास क्या आया? डी बाई डी टी ऑफ 3t का स्क्वायर, तो 3 कॉन्स्टेंट, डी बाई डी टी ऑफ क्या आएगा? टी का स्क्वायर, और 3 × 2 × t की पावर 1, क्योंकि टी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? 2 × t की पावर 1। तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? 60। कोई डाउट इसमें? तो आई होप ये सबको क्लियर है कि अगर आपको क्वेश्चन में एक्स गिवन है और आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, आप एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, आपके पास वी आ जाएगा। अगर आपके पास वी है, आप उसे एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकता हूं, रादर मैंने लास्ट टाइम शुरू भी किया था। कैसे? मैंने ये बताया कि एक्स की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ? टी रेज टू पावर कितनी? टी क्यूब। मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर आप लेफ्ट की तरफ इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस टर्म को, तो आपको राइट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन रिमेंस सेम, ताकि इक्वेशन खराब ना हो। तो ये इक्वेशन क्या कहती है? एक्स किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो सेम अमाउंट से मुझे इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि इन दोनों की वैल्यू क्या रहे? सेम। जैसे एक इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू कितना? एक्स। तो एक इक्वेशन है एक्स इक्वल टू, तो एक्स एक्स के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो इसमें अगर मैं लेफ्ट की तरफ लगाता हूँ डी बाई डी एक्स, तो मुझे राइट में भी लगाना पड़ेगा डी बाई डी एक्स। तो चेक करो दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है? एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब ये रूल बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन के अगर लेफ्ट की तरफ आप डिफरेंशिएट करते हो, आपको राइट भी सेम अमाउंट से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन मेंटेन रहे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक। तो मैं इस रूल को अगर फॉलो करूं, ठीक, अगर मैं इस रूल को फॉलो करूं और इसके अंदर ये इक्वेशन है, इसको अगर मैं लेफ्ट की तरफ लगाऊं डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, तो मुझे राइट की तरफ भी लगाना पड़ेगा डी बाई डी टी। कोई डाउट इसमें? मैंने लेफ्ट में भी लगाया डी बाई डी टी, तो मुझे राइट में लगाना पड़ा डी बाई डी टी, इक्वेशन मेंटेन्ड है। तो किसी ने कहा सर देखो ये क्या हो गया? मैंने कहा क्या? कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सीधा एक स्टेप में क्या आ गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो ये इक्वेशन आ गई। आप चाहे अपना मेथड नंबर 1 भी कर सकते हो, जो मैंने पीछे अभी किया था, आप वैसे कर लो, आप सिंपली वेलोसिटी के अंदर एक्स की वैल्यू को पुट कर लो, एक ही बात है, या आप एक गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, एक ही बात है। तो आपने एक इक्वेशन को लिया, आपने दोनों साइड से इसे डिफरेंशिएट किया, आपके पास सीधा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई।
अब ये एक नई इक्वेशन आ गई, एक काम क्यों नहीं करते, इस नई इक्वेशन में भी लेफ्ट की तरफ डी बाई डी टी लगा दो, राइट की तरफ भी आपको डी बाई डी टी लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो डी वी बाई डी टी आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सीधा यहां पर क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन थ्री कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2 × 10⁻¹। आंसर वही आएगा जो मैंने अभी पिछले मेथड से निकाला। अभी आपकी मर्जी है, आपको मेथड नंबर वन पसंद है या आप एक इक्वेशन को दो बार सिंपली डिफ्रेंशिएट करते हो, आप ऐसे करना चाहते हो तो भी ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आपको दोनों बातें समझ में आ रही हैं, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हो, कोई डाउट किसी को इसमें? यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब ये हमने लास्ट टाइम किया था। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, सपोज करो मेरे को क्या गिवन है, एक्स गिवन है, एक्स की वैल्यू नहीं गिवन, टी स्क्वायर टी क्यूब टी फोर वो नहीं गिवन, बस हाँ कोई डिस्प्लेसमेंट एक्स गिवन है। किसी ने ये पूछा कि सर एक बात बताओ, इस एक्स को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास क्या आएगा, यानी कि डी एक्स बाई डी टी, तो मेरे पास कौन सी वेलोसिटी आएगी, इंस्टेंटेनियस। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तू इसे डिफ्रेंशिएट करेगा डी एक्स बाई डी टी तो तेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता लग जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसने कहा ठीक है, अगर मैं इस वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगी। बिल्कुल ठीक, इंस्टेंट एक्सेलरेशन आ गई, कोई डाउट इसमें? ठीक। अब वो कहते हैं कि काम करें, v की वैल्यू ऐसे रख लें तो भी कोई बात नहीं, dv by dt will give a, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, dv by dt, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल लिखा जा सकता है। लेकिन कोई स्टूडेंट कहता है कि सर v लिखूं या v की जगह dx by dt लिखूं, बात तो एक ही है, क्योंकि v किसके इक्वल होता है, dx by dt। तो क्यों ना ऐसा करें कि यहां पर d by dt of v की जगह क्या रिप्लेस कर दें, dx by dt, कोई डाउट इसमें? सिंपली क्या करें, v की जगह रिप्लेस कर दें क्या, dx by dt, कोई डाउट इसमें? मतलब आपकी मर्जी है, आप यहां पर v लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो भी a देगा dv by dt, इट्स ओके। तो a को लिखा जा सकता है dv by dt, लेकिन कोई कहे नहीं मैं v नहीं लिखता, मैं तो ये लिखूंगा, तो भी मुझे सही मानना पड़ेगा, क्योंकि v की जगह क्या लिखा जा सकता है, dx by dt, तो भी सही है। तो यानी कि जो भी ये डेफिनेशन एक्सेलरेशन की पड़ेगा वो ये कहेगा कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो ए आ जाएगा। अगर कोई ये डेफिनेशन पढ़ेगा तो वो क्या कहेगा कि एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करो और जो आंसर आएगा उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आएगी। यानी कि एक्स की कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करें, दो बार, एक्स को दो बार डिफ्रेंशिएट करें तो ए आ जाएगा, कोई डाउट इसमें? ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो इसको कैसे रीड करेंगे, एक्स की एक बार डिफ्रेंशिएशन और जो आंसर आया उसकी एक बार और डिफ्रेंशिएशन। तो फिजिक्स या मैथ्स में ऐसा नहीं लिखा, लिख भी सकते हैं पर नॉर्मली ऐसा नहीं लिखा जाता कि एक्स की एक बार डिफ्रेंशिएशन फिर एक बार और डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स की दो बार डिफ्रेंशिएशन, इसको ऐसे लिखा जाता है डी इंटू डी, डी का स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर दें, और डी टी इंटू डी टी, डी टी का होल स्क्वायर, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो मतलब मैथ्स या फिजिक्स में ऐसा लिखना या ऐसा लिखना, बात एक ही है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हम नॉर्मली ऐसा नहीं लिखते, हम ऐसा लिखते हैं। तो आज के बाद अगर फिजिक्स में पूरे साल में कहीं ना कहीं आपको ए की जगह डी वी बाई डी टी लिख दे तो भी आप मानोगे इट्स एन एक्सेलरेशन। अगर डी वी बाई डी टी ना लिखे, उसकी जगह डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख दे तो भी आपको मानना पड़ेगा इट इज एन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को लिखने के तीन तरीके, पहला ए लिख देना, दूसरा डी वी बाई डी टी लिख देना, तीसरा डबल, इसको बोलते हैं दो बार डिफ्रेंसिएशन। दो बार डिफ्रेंसिएशन को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव। एक बार डिफ्रेंसिएशन को सिंगल डेरिवेटिव, दो बार डिफ्रेंसिएशन को डबल डेरिवेटिव। तो हमने इसको एक्स का क्या किया, डबल डेरिवेटिव। क्लियर है यहां तक? तो आप ए को ऐसे लिखो, आप ए को ऐसे लिखो या आप ए को ऐसे लिखो, बात एक ही है, कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन को लिखने के क्या तरीके हैं। आप कौन सा लिखना पसंद करेंगे,
ए, ए को कौन छोड़ेगा, पहली ऑप्शन क्या रखेंगे ए, दूसरी ऑप्शन क्या पसंद करेंगे डीवी बाय डीटी, ये तो आखिरी ऑप्शन है, मेरी भी यही है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर जगह क्या लिखूं ए, पर कभी कभी मुझे लिखना पड़ सकता है डीवी बाय डीटी, मैं कोशिश करता हूं कि मेरे को ना लिखना पड़े, बट फिर भी ए का चैप्टर ऐसा है जो एंड में जाके आएगा, SHM करके एक चैप्टर है, जनवरी में आता है वो, उसके अंदर एक दो जगह मुझे लिखना पड़ता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो ये जो इस मेथड को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन बनाना, ये डिफरेंशियल बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन को डिफरेंशियल की फॉर्म में कैसे लिखना डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, लेकिन अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तब की तब यूज़ करेंगे, अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अभी मैं ए से काम चलाऊंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू है टी क्यूब, एक बार फिर से मेरा क्वेश्चन है फाइंड डी एक्स बाय डी टी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, यानी कि एक बार मैं चाहता हूं एक्स की डिफरेंशिएशन हो, आंसर निकालो, एक बार मैं चाहता हूं एक्स की जो भी आंसर आया उसकी एक बार और डिफरेंशिएशन हो, मेरा आंसर क्या होगा। तो पहला तरीका क्या है, मैं इसके अंदर डी बाय डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, बोलो कितनी, टी का क्यूब, तो मेरा आंसर क्या आएगा, थ्री टी स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, सही आ गया, तो मेरे पास डी एक्स बाय डी टी आ गया। फिर दूसरा तरीका, मेरे को ये पता है कि इसको ऐसे लिखना या इसको ऐसे लिखना बात एक ही है, ऐसी है ना, इसको ऐसे लिखना एक ही बात है, तो मुझे पता है कि डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितना, थ्री टी स्क्वायर, तो क्यों ना इस पूरे की जगह मैं पुट कर दूँ डी बाई डी टी ऑफ वॉट, थ्री टी स्क्वायर, तो थ्री क्या आएगा, कॉन्स्टेंट, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, थ्री इंटू, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है, टू इंटू टी की पावर वन, आंसर क्या आएगा, 60। क्या ये मेथड सबको क्लियर है, कुछ भी नहीं किया, पहले x लिया, क्या निकालना था, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी में x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, टी क्यूब, डिफ्रेंशिएट करके आंसर आ गया, डी एक्स बाई डी टी आ गया, मुझे क्या निकालना है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ थ्री टी स्क्वायर, मैंने पुट कर दी, इसको डिफ्रेंशिएट किया, थ्री बाहर आ गया, टी स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या है, टू टी, आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, इसकी जगह ऐसा लिखने की जगह मैं ऐसा करता हूँ फिर से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इस बार x की जगह कितना, टी क्यूब, सेम क्वेश्चन है, मुझे फिर से वही निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, मैं सब्स्टिट्यूट x की जगह वैल्यू पुट करने की बजाय अपना मेथड बनाता हूँ, मेरा मेथड क्या है, लेफ्ट की तरफ d बाई डी टी लगा दो, तो मुझे इक्वेशन के राइट की तरफ भी लगाना पड़ेगा d बाई डी टी, कोई डाउट, ये भी सही है, रूल है, तो एक स्टेप में डी एक्स बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, थ्री टी स्क्वायर, आ गया आंसर, एक ही लाइन में आ गया। अच्छा, अगर मैं, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सपोज लेफ्ट की तरफ मैं डी बाई डी टी लगा देता हूं, तो मुझे राइट की तरफ भी क्या लगाना पड़ेगा, डी बाई डी टी, तो देखो लेफ्ट की तरफ मेरी टर्म क्या थी, डी एक्स बाई डी टी के लेफ्ट की तरफ डी बाई डी टी, और यहां पर क्या था, थ्री टी, ये स्टेप समझ में आया, क्योंकि एक इक्वेशन गिवन थी, यहां पर भी डी बाई डी टी, यहां पर भी डी बाई डी टी, अब सबको पता है इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और यहां से थ्री कॉन्स्टेंट, डी बाई डी टी ऑफ क्या, टी स्क्वायर, तो थ्री इंटू टू इंटू टी की पावर वन, आंसर फिर से कितना, 60। तो आप चाहे तो मेथड वन से डबल डेरिवेटिव निकाल लें, आप चाहे मेथड टू से निकाल लें, आपकी मर्जी है। नॉर्मली जब डबल डेरिवेटिव आते हैं तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं इक्वेशन लिखूं, दोनों तरफ एक ही बारे में डी बाई डी टी कर दूं, फिर जो इक्वेशन आएगी
एक बार और डी बाई डी टी कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आ जाता है, मुझे इजी लगता है, आपको ये इजी लगता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सही आना चाहिए। तो क्या ये दोनों मेथड क्लियर हैं आपको? अगर मैं ऐसे करूंगा आप मत करें, आप मेथड मन से कर लें। अगर मैं मेथड टू यूज़ करूंगा तो आपको समझ में आता है कि मेथड टू कैसे काम करता है। कोई डाउट इसमें आप लिख सकते हैं, और जिन्होंने लिख लिया वो एक क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, फाइंड डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकालना है। ये क्वेश्चन है। लेफ्ट इफ एक्स इज इक्वल टू टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस वन है, टी स्क्वायर लग रहा है वो इतनी दूर से। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, ये क्यूब है, प्लीज क्यूब है ये, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस वन, आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? आपको गिवन है x की वैल्यू इज टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस वन। तो एक काम करते हैं, मैं दोनों तरफ इसकी तरफ लगाता हूँ d बाई डी टी, और मुझको यहाँ भी लगाना पड़ेगा d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस वन। तो लेफ्ट की तरफ क्या आ गया? डी एक्स बाई डी टी, राइट की तरफ d by dt of first term, d by dt of second term and d by dt of third term। इसको तो constant की differentiation क्या होती है? Zero। तो यहाँ से dx by dt की value straight भी आ जाएगी 3t square plus 2t raised to power 1। कोई doubt इसमें? ठीक है यहाँ तक? तो differentiate करके answer आ गया। अब इसमें अगर मैं इस equation को एक बार और डिफ्रेंशिएट करूं, d by dt ऑफ लेफ्ट टर्म और ऐसी d by dt ऑफ राइट टर्म 3t स्क्वायर प्लस 2t, तो मेरे पास लेफ्ट की तरफ क्या आएगा? d2x टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ऐसे होगा ना, d2x टू एक्स बाई डबल डेरेटिव आ जाएगा अपने आप। और राइट में 3 कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ t स्क्वायर 2 कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ t, ऐसे करेंगे ना, d बाई डी टी को इससे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 2 इंटू टी की पावर 1, और इसको सॉल्व करके 1, तो आंसर क्या आएगा? 6t प्लस 2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे को ऐसा लगता है जब इक्वेशंस गिवन हो और आपको डबल डेरिवेटिव पूछा जाए तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इक्वेशन में दोनों तरफ d by dt लगा के सीधा डबल डेरिवेटिव मेरे पास आता है। हाँ, आप पहले मेथड में कंफर्टेबल हैं आप लगाएं, मुझे आंसर सही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो डबल डेरिवेटिव हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, पर आपको समझ में आ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा टाइम कम रह गया था तो हमने थोड़ा जल्दी किया था,
पर अब हमारे पास टाइम है, आज हम इंटीग्रेशन भी खत्म कर देंगे, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमारा एक चैप्टर क्या है, तो मैथमेटिकल टूल है जो किसी गिनती में नहीं है, ना स्कूल में आएगा ना कॉम्पिटिशन में आएगा, कहीं नहीं आएगा। बट इसके बिना फिजिक्स नहीं चल सकती, आपने देख ही लिया, इसके बिना तो कुछ नहीं चल सकता। अगर किसी ने कैलकुलस नहीं किया और फिजिक्स कर ली तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जब प्लस टू में एडमिशन के लिए, भाई बहुत बच्चे नए आते हैं, तूने कैलकुलस किया नहीं किया, फिजिक्स की तो तेरे को फिजिक्स नहीं आती। आप खुद ऑब्जर्व कर लेना, हर चैप्टर में इसकी एंट्री होगी, हर चैप्टर इसके साथ ही चलेगा, तो इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है यहाँ तक? तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, असाइनमेंट दी थी असाइनमेंट नंबर 2, तो उसके जो भी डाउट्स हैं पहले वो क्लियर करते हैं और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन। तो पहले इसे खत्म कर दें, सब्जेक्टिव शीट नंबर टू में जिन जिन लोगों को डाउट्स हैं वो एक बार प्लीज़ एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोग चाहते हैं मैं सॉल्व करूं? ओके, हो जाएगा, ठीक है, ओके। आप जाते हुए मुझे स्टेप्स भी चेक करवा सकते हैं अपनी कॉपी में, अगर टाइम नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने कॉपी में PDF बनाएं घर जाके, अपने जो भी आपने असाइनमेंट की है मुझे एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें PDF, मैं एक बार चेक कर दूंगा आपके स्टेप्स चेक कर दूँगा। अगर किसी ने करवाने हैं तो करवा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है शांशी? ठीक है सरताज? यस, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कहा नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोग चाहते हैं मैं सॉल्व करूं? क्या लगाया बोलो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने? यू इंटू वी का फॉर्मूला, हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन का कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट ओके। तो क्वेश्चन है कि सपोज आपको y की वैल्यू वो आपको दे रहा है, एंड y की वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ x प्लस 2x 2/3 प्लस 4x² प्लस 5, और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है dy/dx। एक काम करते हैं, d/dx ऑफ इस y की जगह ये पूरी की पूरी टर्म सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो रूट एक्स प्लस 2 × x^2 कितनी? 2/3 प्लस 4x² प्लस 5। क्या स्टेप क्लियर है पहला स्टेप? तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म अंडर रूट ऑफ x प्लस d/dx ऑफ सेकेंड टर्म, ये रही सेकेंड टर्म, प्लस d/dx ऑफ थर्ड टर्म प्लस d/dx ऑफ लास्ट टर्म। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? d/dx को मल्टीप्लाई कर लिया सभी टर्म्स के साथ, ठीक सिखाया था मैंने। नेक्स्ट, अब यहाँ पर d/dx ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? x^2 कितना? 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? हाफ, प्लस 2 इज अ कॉन्स्टेंट, बाहर आ जाएगा d/dx ऑफ x^2 कितना? 2/3, ये भी स्टेप क्लियर है, प्लस 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा d/dx ऑफ x^2 कितना? -2। कोई डाउट इसमें? राइट, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, इसको तो रहने देते हैं, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज 0। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है पावर रूल, बोलो पावर नीचे x की पावर हाफ माइनस 1 प्लस 2 × पावर रूल 2/3 x^2 -1, ये भी क्लियर है, प्लस 4 × -2 x^2 -2 -1। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? तो ठीक है, इसकी पावर को सॉल्व करके क्या आएगा? -1/2। यहाँ पे क्या आएगा? -1/3। यहाँ पे क्या आएगा? -3। ठीक है, इट्स ओके, यहाँ तक छोड़ोगे तब भी चलेगा। आपको मेथड समझ में आया कैसे d/dx को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने कैसे पावर रूल को अप्लाई किया। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर।
ठीक है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर थ्री में और कोई क्वेश्चन अगर कोई करवाना चाहे बोलो। सेकंड, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू इसमें क्या है? 1 बाई एक्स है माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर है प्लस 2 बाई एक्स क्यूब है प्लस 10x है प्लस 5 है। तो इसमें ओपन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म 1 बाई एक्स है माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 बाई एक्स क्यूब है प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x है प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 है। राइट, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ x ऊपर चला गया रेज टू पावर माइनस 1, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x ऊपर चला गया माइनस 2, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x ऊपर चला गया माइनस 3, 10 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी एक्स बाई डी एक्स, इसको तो मत ही लिखो क्योंकि इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होने वाली है? 0। क्या स्टेप सबको क्लियर है? ठीक। अब पावर रूल, पावर नीचे एक पावर यहां पर कम कर देंगे, माइनस 2, पावर नीचे एक पावर यहां पर कम हो जाएगी, माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3, प्लस 2 इंटू पावर नीचे एक्स की पावर एक कम हो जाएगी माइनस 4, प्लस 10 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स क्या है? 1। कोई डाउट इसमें? आंसर मेथड क्लियर है, कुछ नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई कर देना है, थोड़ा कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेना है, एक्स की टर्म को न्यूमिनेटर में ले जाना है, फिर पावर रूल लगा लेना है। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ऐसे ही क्या आप लोगों ने? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का और कोई पार्ट? ठीक है, बोलो। थर्ड पार्ट भी करा देते हैं, कोई बात नहीं। क्या ये स्टेप क्लियर है पहले चेक कर लो प्लीज। ठीक, ठीक, देखो तो इसमें लास्ट पार्ट में d by dx ऑफ कितना? 1 by अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 by x क्यूब माइनस 4 डिवाइडेड by x रेज टू पावर 2/3। कोई डाउट इसमें? करें स्टार्ट, मल्टीप्लाई करते हैं d by dx ऑफ, देखो मैं एक स्टेप शॉर्ट मारूंगा, x की पावर क्या कर सकते हैं? माइनस हाफ, सही है, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर क्या हो जाएगी? माइनस 3। कोई डाउट इसमें? माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस 2/3। ये स्टेप क्लियर है? एक स्टेप फालतू लिखना था तो फिर मैंने सीधा ही कर दिया, कॉन्स्टेंट सारे बार ले लिए, बस पावर रूल, पावर में माइनस हाफ नीचे, तो इसमें माइनस हाफ नीचे x रेज टू पावर माइनस हाफ माइनस 1, 2 इंटू पावर माइनस 3 नीचे x की पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2/3 नीचे x रेज टू पावर माइनस 2/3 माइनस 1। क्या स्टेप क्लियर है? सॉल्व कर लेना आंसर, डन। ठीक, तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में तो सीधा सीधा आंसर दोनों पार्ट्स का 0 है क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। मैथ्स में ई कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.71 होती है, 2.71, जैसे पाई होता है 3.14, ई होता है 2.71, तो दोनों पार्ट्स में कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज 0। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट? 5 में फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एस गिवन है, एस क्या गिवन है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वेयर यू एंड ए बोथ आर कॉन्स्टेंट। कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन में गिवन है, एस गिवन है, क्या निकालना है आपको? डी एस बाई डी टी, तो आपको निकालना है डी एस बाई डी टी। एक काम क्यों नहीं करते, इस एस की पूरी वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो डी बाई डी टी ऑफ एस की जगह यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो मेरे पास डी एस बाई डी टी की टर्म क्या आएगी? d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म,
कोई डाउट इसमें? मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिफरेंशिएशन में कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। बोलो कौन कौन कॉन्स्टेंट है? U इज अ कॉन्स्टेंट, हाफ इज अ कॉन्स्टेंट, A इज अ, तो निकालो बाहर। U इंटू क्या बचा? डी टी बाई डी टी, हाफ और A बाहर आ गया, क्या बचा? D बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आया? U इंटू वन प्लस हाफ इंटू A इंटू कितना? टू टी रेज टू पावर वन, टू से टू कैंसल, तो आंसर आ गया U प्लस ए टी। कोई डाउट इसमें? कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, तो बाहर आके डी टी बाई डी टी वन हो गया, टी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन टू टी हो गया, टू से टू कैंसल, तो क्या बचा? ए टी। कोई डाउट इसमें? मेथड समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसको डिफ्रेंशिएट करके कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया और टी को डिफ्रेंशिएट कर दिया। कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर के साथ। अगर ये टी स्क्वायर ना होता, अकेला कॉन्स्टेंट होता, तो फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन जीरो, पर साथ में क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट फिर कॉमन निकलेगा, टी स्क्वायर बच जाएगा। टी का क्या करोगे? टी को तो डिफ्रेंशिएट ही करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट। सिक्स क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि कोई भी इंक है, कोई भी एक इंक है, और जैसे न्यूज़पेपर पे गिर गई, तो न्यूज़पेपर पे गिरती वो फैलती है, तो उसका फैलने का रेट बता रहा है, मतलब निकालना है डी ए बाई डी टी। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एक ही बात है। तो टाइम के साथ एरिया क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो वो हमें क्या निकालने को बोल रहा है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एक ही बात है। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब चेंज, एक ही बात है। तो क्या निकालना है? डी ए बाई डी टी। तो इसके अंदर डी बाई डी टी ऑफ एरिया की जगह क्या पुट करें? थ्री टी स्क्वायर प्लस सेवन। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, थ्री कॉन्स्टेंट डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ क्या? सेवन। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है? जीरो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा? सिक्सटी। ये स्टेप क्लियर है? तो आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल दिया, पर उसने क्या कहा? मुझे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो जब टाइम कितना है? फाइव सेकेंड। तो मैं एंड में टाइम को क्या पुट कर दूंगा? फाइव सेकेंड। फाइव सेकेंड पे डी ए बाई डी टी की वैल्यू आएगी सिक्स इंटू फाइव, कितनी? थर्टी। इसके यूनिट्स क्या आएंगे? डी ए के यूनिट्स क्या हैं? एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। और टाइम के क्या होते हैं? सेकेंड। तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो टाइम टी इज इक्वल टू फाइव सेकेंड पे निकालना है। तो पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डिफ्रेंसिएशन से निकाल दिया, फिर एंड में टाइम को क्या पुट कर दिया? इसमें फाइव सेकेंड आंसर। क्या स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन का सेकेंड पार्ट, नहीं क्वेश्चन में सेवन में कोई पार्ट कौन सा? थर्ड फोर्थ और थर्ड और फोर्थ। ओके, थर्ड, तो थर्ड और फोर्थ पार्ट को एक बार देख लेते हैं। सेम है, क्वेश्चन नंबर थ्री जैसा ही है। तो थर्ड पार्ट में मुझे क्या निकालना है? थर्ड पार्ट में मुझे वैल्यू निकालनी है डी बाई डी एक्स ऑफ, थर्ड पार्ट इज वन बाई एक्स माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स प्लस फाइव। तो रूल वही है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना? सेकेंड टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना? थर्ड टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फोर्थ टर्म और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फिफ्थ टर्म। इसको तो चलो छोड़ दो, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जीरो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ इसमें क्या लिखेंगे? एक्स की पावर माइनस वन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, रादर इसमें ना टू बाहर आएगा, देखो इसमें टू बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऊपर चला गया रेज टू पावर माइनस टू, थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस टू, थ्री आएगा सॉरी, यहाँ पर टू नहीं है, यहाँ पर थ्री चल रहा है, प्लीज थ्री। तो इस क्वेश्चन में ये थ्री चल रहा है, तो रेज टू पावर माइनस थ्री, टेन बाहर आ गया, डी एक्स बाई डी एक्स कितना? वन। कोई डाउट इसमें?
ठीक है, तो पावर रूल माइनस वन एक्स रेज टू पावर माइनस टू, माइनस टू इन टू पावर रूल माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री, प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस फोर, टेन इन टू डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है वन आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इन स्टेप्स को करना है? ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री था। क्वेश्चन नंबर फोर भी करते हैं कि ऐसे ही क्या सबने जिन्होंने ट्राई किया ऐसी सेम स्टेप्स? अच्छा सेकंड, अच्छा ठीक है सेकंड और थर्ड रिपीट, ओके कोई बात नहीं और प्रैक्टिस होगी। देखो इसमें जो अगला पार्ट है डी बाय डी एक्स ऑफ फोर्थ पार्ट जो आपने बोला वन बाय रूट एक्स टू अपॉन एक्स रेज टू पावर थ्री बाय टू माइनस फोर अपॉन एक्स रेज टू पावर फाइव बाय टू, तो डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे एक्स की पावर माइनस हाफ, प्लस टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस थ्री बाय टू, फोर कॉन्स्टेंट आएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस फाइव। क्या ये स्टेप क्लियर है? पावर रूल माइनस हाफ एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ माइनस वन, टू इन टू पावर रूल, पावर रूल में माइनस थ्री बाय टू, माइनस थ्री बाय टू एक्स रेज टू पावर थ्री बाय टू माइनस वन, माइनस फोर इन टू माइनस फाइव बाय टू, माइनस फाइव बाय टू माइनस वन। क्या स्टेप क्लियर है? आंसर ऑनलाइन क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन तक मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर नाइन रादर एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व अभी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एट तो आप अभी कर ही लोगे, तो मैंने अभी करके भी दिखाया अभी आपको। तो क्वेश्चन नंबर एट में आपको सिंपली गिवन है y की वैल्यू क्या गिवन है x रेज टू पावर फोर, डबल डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं लेफ्ट की तरफ लगाते हैं डी बाय डी एक्स, तो मुझे राइट की तरफ भी लगाना पड़ेगा डी बाय डी एक्स, तो ये क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स, इसको सॉल्व करके क्या आएगा फोर एक्स क्यूब। क्या स्टेप क्लियर है? सही है, ठीक है। एक काम करते हैं एक बार और लेफ्ट की तरफ लगाते हैं डी बाय डी एक्स, तो राइट पे भी लगाना पड़ेगा डी बाय डी एक्स, तो यहां पर क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर जो निकालना है, फोर कॉन्स्टेंट आ गया, डी बाय डी एक्स ऑफ क्या आया एक्स का क्यूब, तो फोर इंटू थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? पावर रूल फोर इंटू एक्स की पावर थ्री, फिर से फोर कॉन्स्टेंट है, पावर रूल थ्री इंटू एक्स की पावर टू आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर नाइन ट्राई करना। नाइन में एक टर्म यूज कर रहा है वो, जैसे साइन ऑफ ये डब्ल्यू नहीं है, इस सिंबल को बोलते हैं ओमेगा, अल्फा बीटा गामा ओमेगा, तो इसमें ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट, अगले क्वेश्चन में ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t, आपको क्या निकालना है फाइंड, सबसे पहले क्या निकालना है डी वाई बाय डी टी। कैसे पता लगा? क्वेश्चन में क्या लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या होता है डी वाई बाय डी टी, तो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा तो कांस्टेंट है, लिख लो इस क्वेश्चन में ओमेगा एंड ए बोथ आर कांस्टेंट्स, सिर्फ टाइम कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो निकालें, तो क्या करें इसमें डी बाय डी टी ऑफ वाई की जगह क्या पुट करेंगे ए साइन ओमेगा टी। क्या ये स्टेप क्लियर है?
मेरे को वाई क्या गिवन था, ए साइन ओमेगा टी, तो मैंने क्या पुट कर दिया, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, कोई डाउट इसमें? ठीक है, करें डिफ्रेंशिएट। तो इसके डिफ्रेंसिएशन में डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू, ए क्या आ गया कॉन्स्टेंट बाहर, क्या बचा डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। हमने एक फॉर्मूला किया था लास्ट टाइम, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला था, क्या था कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाय डी एक्स भी था, ये फॉर्मूला है, लास्ट टाइम किया था कि अगर साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन है तो आंसर क्या लिखना है कॉस एक्स। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल यहाँ पर सेम आएगा एक्स, और यहाँ पर भी सेम टर्म आएगी एक्स, तो फॉर्मूला क्लियर है, तो लगाएं फॉर्मूला। तो इसमें बोलो क्या आएगा, ए इंटू बोलो साइन ओमेगा टी क्या आएगा कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एंगल, यहां पर एंगल क्या है ओमेगा टी, ये स्टेप क्लियर है। तो साइन ऑफ एंगल इज कॉस ऑफ एंगल इंटू डी बाई डी टी ऑफ एंगल, लिख दिया, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इसमें डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू, अब देखो इसमें से क्या कॉन्स्टेंट है ओमेगा, ओमेगा बाहर निकाल लो, क्या बचा डी टी बाय डी टी जो कि क्या होता है वन, क्लियर है। अब ये जो एंगल होते हैं ना कॉस का ही एंगल है, इस एंगल के साथ इसे मल्टीप्लाई मत कर देना, एंगल के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो सकता कुछ भी, तो ओमेगा को आगे ले आओ, तो आपके पास आएगा जब आप ओमेगा को थोड़ा आगे लेके आएंगे तो डी वाई बाय डी टी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो ये आपका एक आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है, ओमेगा कांस्टेंट था तो हमने बाहर निकाल लिया। आधा आंसर आया, अभी एक बार और क्या करेंगे इसे डिफ्रेंशिएट, बोलो यहां पे, ओके ये क्लियर है, साइन ऑफ एंगल इज कॉस ऑफ एंगल इंटू ओमेगा टी एंगल है, जैसे एक्स एंगल है तो यहां एक्स और एक्स, ऐसे अगर ये ओमेगा टी होता तो ये ओमेगा टी ओमेगा टी, हाँ लिख रहा एंगल्स, ऐसे साइन के अंदर से कॉमन निकाल के एंगल कहां लिखूं, ओमेगा को बाहर निकाल लूं यहीं से, देखो डी बाई डी टी ऑफ, अगर मैं लिखता हूं साइन ऑफ टू इंटू एक्स तो रूल मैथ्स का ये थोड़ा है कि टू को बाहर निकाल लो, साइन के अंदर से कैसे टू बाहर आ जाएंगे, ऐसे एंगल थोड़ा बाहर आते हैं कॉमन निकल के, एंगल तो बेचारा उसमें कैद पड़ा हुआ है उसको छेड़ना नहीं, ना उससे कुछ मल्टीप्लाई होगा ना उसमें से कुछ बाहर निकालना है, ठीक। तो क्लियर है अभी यहां तक, कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, अब एक काम करो, मैंने इक्वेशन बना दी, मेरे को इस इक्वेशन में क्या निकालना है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, मैंने क्या निकालना है डबल डेरिवेटिव निकालना है, सिंगल डेरिवेटिव आ गया, अब एक काम करते हैं इसमें, हाँ कोई डाउट है किसी इसमें? ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्योंकि मैं ये इक्वेशन निकाल चुका हूँ, आप करोगे इसे लेफ्ट में एक बार और लगा दो, क्योंकि इक्वेशन है डी वाई बाई डी टी, तो आपको राइट में भी लगाना पड़ेगा डी बाई डी टी, क्या यह स्टेप क्लियर है? दोनों तरफ लगा दिया डी बाई डी टी, इससे क्या होगा मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो ए कॉन्स्टेंट है ओमेगा कॉन्स्टेंट है, क्या बचा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? फिर से ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लेफ्ट की तरफ डी बाई डी टी, इस इक्वेशन के लेफ्ट की तरफ डी बाई, दोनों तरफ डी बाई डी टी, तो ये आ गया डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो ए ओमेगा बाहर आ गया तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अभी तो की नहीं मैंने डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी टी रखा हुआ है,
इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा, ठीक है? ठीक, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है जो किया अभी? अब नेक्स्ट स्टेप है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ओमेगा। याद करो आपको फॉर्मूला करवाया था किसका, कॉस एक्स का, क्या था माइनस साइन एक्स इंटू, ये फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले में अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाता है एक्स, तो ये भी क्या हो जाता है एक्स, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला आ गया ना किसका, कॉस का, तो कॉस की डिफ्रेंसिएशन बोलो क्या आएगी, माइनस साइन ऑफ एंगल कितना है ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एंगल कितना है ओमेगा टी। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो जैसे कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स करते हैं तो कॉस ऑफ एंगल इज माइनस साइन ऑफ एंगल इंटू एंगल भी करना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है, और लास्ट स्टेप माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू, क्या कांस्टेंट इन दोनों में से ओमेगा, क्या बचा डी टी बाई डी टी, इसकी वैल्यू क्या होगी वन, ये ओमेगा और ये ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज द फाइनल आंसर। पॉइंट समझ में आया? ये क्लियर है, यहाँ पे डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, ए ओमेगा बाहर आ गया, ए ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, ए भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट, तो क्या बचा कॉस ओमेगा टी, किसकी, ए तो कांस्टेंट है ना, ए तो कोई नंबर है, उसने फाइव फोर नहीं लिखा, ए लिख दिया क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में बोल ही दिया ए इज अ कांस्टेंट, ओमेगा इज अ कांस्टेंट, तो फिर इसको देखना भी क्यों है, इसको बाहर निकालो, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसको बाहर निकाल दो, टी तो कांस्टेंट नहीं ना, तो ये टर्म नहीं बाहर आ सकती, तो इसकी क्या करनी पड़ेगी डिफ्रेंसिएशन, ओमेगा इज अ कांस्टेंट डी टी बाई डी टी वन ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? ठीक है, अब जो आखिरी ये टेंथ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो टेंथ क्वेश्चन करना, टेंथ क्वेश्चन का आंसर बोलो क्या आ रहा है, सिक्स सिक्स सेकेंड आ रहा है, ट्वेल्व नहीं है, लास्ट टाइम आया था, ओके क्वेश्चन नंबर टेन, कितना आंसर आ रहा है, किसी का ट्वेल्व किसी का टेन, ओके तो क्वेश्चन है एस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, टी क्यूब बाई थ्री प्लस टी स्क्वायर माइनस वन, क्या निकालना है मुझे, निकालना है डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, ये निकालना है कब, जब टाइम की वैल्यू कितनी है टू सेकेंड। एक काम करते हैं, इक्वेशन है ना, दोनों तरफ d बाई डी टी, डी बाई डी टी लगा दो, तो अगर लेफ्ट की तरफ d बाई डी टी लगाएंगे तो मुझे राइट की तरफ भी लगाना पड़ेगा d बाई डी टी, तो t क्यूब बाई थ्री प्लस टी स्क्वायर माइनस वन, तो ds एस बाई डी टी आ जाएगा मेरे पास, इसको वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ क्या t का क्यूब, d बाई डी टी ऑफ t का स्क्वायर, d बाई डी टी ऑफ क्या वन, कोई डाउट इसमें, मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से डी एस बाई डी टी की वैल्यू आएगी वन बाई थ्री पावर रूल थ्री टी स्क्वायर पावर रूल टू टी वन और इसकी डिफ्रेंसिएशन जीरो, तो यहां से डी एस बाई डी टी विल बी इक्वल टू, ये कट गया तो टी स्क्वायर प्लस टू टी। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? सिंपल डिफ्रेंसिएशन है, दोनों तरफ डी बाई डी टी लगा दिया, इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस टू टी, पर मेरे को तो डबल डेरिवेटिव निकालना है। इस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट फिर से क्या लगाओ डी बाई डी टी, डी बाई डी टी करो सॉल्व, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करो यहां भी और यहां भी,
करो नेक्स्ट स्टेप. ठीक, तो स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो देखो इसमें ds बाई डी टी हमारे पास आ चुका है. अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें दोनों तरफ लगाएंगे d बाई डी टी. डी बाई डी टी ऑफ लेफ्ट टर्म इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ राइट टर्म. क्लियर है? तो यहां पर क्या आएगा, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर. इसको ओपन करेंगे, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 2t. तो ये क्या आएगा, d2s टू एस बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2t प्लस 2 कॉन्स्टेंट, dt बाई डी टी इज 1. क्या स्टेप क्लियर है? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आंसर आएगा. लेकिन आपको कहा गया इसकी वैल्यू निकालो कब, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो आप इसमें इसकी जो वैल्यू आई इसमें टाइम को पुट कर दें 2, तो आंसर क्या आ रहा है, 6. कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई मुझे ये बताएगा डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर ये निकला क्या, 6 निकला क्या, क्या निकला? मैंने यूनिट से पूछे, थोड़ा आसान बोलो. हाँ, क्या एक्सेलरेशन. एस को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया डिस्प्लेसमेंट को, तो क्या ही एक्सेलरेशन. तो यानी कि एस आपको गाड़ी के डिस्प्लेसमेंट की बने और ये आपको गाड़ी की एक्सेलरेशन पता लगी. ठीक है, ये तो बताओ ना निकाल क्या रहे हैं, खाम खाई डी डी एक्स पर डी टी करते जा रहे हैं. तो क्या निकाला, एक्सेलरेशन विच इज कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट तो नहीं कहूँगा, सॉरी, एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंडेंट है, नॉट कॉन्स्टेंट. तो हमने एक्सेलरेशन कब निकाली, जब टाइम की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड. ठीक है, अब 11th और 12th क्वेश्चन, एक चैप्टर आएगा मोशन. मोशन के अंदर ये क्वेश्चंस ऐसे बहुत फेमस हैं, एक पूरी असाइनमेंट इन दो क्वेश्चंस के बेस पे बनेगी कैलकुलस को यूज़ करते हुए. तो उनमें से पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय टी क्यू टी स्क्वायर टी प्लस 1. ठीक है, क्या निकालना है, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. यानी कि क्या निकालना है बोलो, डी एस बाई डी टी निकालना है कब, जब टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड. ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो इंस्टेंट वेलोसिटी यही होती है ना. तो एक काम करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एस की वैल्यू पुट कर दो. हमें एस क्या गिवन है, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1. तो हमारे पास डी एस बाई डी टी फर्स्ट टर्म की डिफ्रेंसिएशन सीधा 3t स्क्वायर, सेकेंड को मल्टीप्लाई करोगे तो 2t, थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और कॉन्स्टेंट को करोगे तो 0. सीधा ओरली कर दिया मैंने डिफ्रेंसिएशन. क्लियर है यहाँ तक? एक स्टेप d बाई डी टी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आएगी. कोई डाउट इसमें? उसने क्या पूछा, ये कैलकुलेशन करनी है जब टाइम कितना है, 1. तो एक काम करो, ds एस बाई डी टी विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1. कितना आंसर आ रहा है, आंसर. और ds एस बाई डी टी निकला क्या, वेलोसिटी. तो यूनिट्स क्या होंगे इसके, या तो मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग एस के यूनिट्स क्या हैं. बट मेथड समझ में आया, हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. कोई डाउट इसमें? आखिरी क्वेश्चन, ये आपने ट्राई करना है, इसका आंसर बताओ क्या होगा. 5 आ रहा है आपका, ओके. प्लीज इसे चेक करें, आखिरी क्वेश्चन 5 चेक करते हैं.
देखो ये क्लियर है, आप एक चीज नोट करो, जब आपको मैं एस देता हूं टाइम की फॉर्म में और आपसे इंस्टेंटेनियस वर्ड लगा के पूछता हूं कि इंस्टेंटेनियस निकालो, आप क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वर्ड डिफरेंशिएशन से आएगा। लेकिन आपको आखिरी क्वेश्चन में ये गिवन है कि एस की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस टी है, राइट? मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। अब प्रॉब्लम क्या है, जब ये डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुई थी हम क्या निकालते थे? एवरेज। और हमने डिफरेंशिएशन सीख के क्या निकाली? इंस्टेंटेनियस। वो चाह रहा है मेरे को इंस्टेंटेनियस निकालनी नहीं है। तो जब वर्ड इंस्टेंटेनियस नहीं आएगा वहाँ डिफरेंशिएशन नहीं यूज होगी, जब वर्ड एवरेज आएगा एवरेज में कभी भी डिफरेंशिएशन यूज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या था? टोटल चेंज बाय टोटल टाइम। अब एक्स की जगह यहाँ एस है तो मैंने क्या लिखा? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। याद है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या होता था? एस टू माइनस एस वन। डेल्टा टी क्या होता था? टी टू माइनस टी वन। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? कभी भी एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन आए कभी भी कैलकुलस यूज नहीं करना, टोटल चेंज बाय टोटल चेंज। इंस्टेंटेनियस आए कैलकुलस यूज करना। तो यहां पर अगर मैं, अब देखो टी टू टी वन तो पता ही है, टाइम एक टाइम क्या गिवन है? 1 सेकेंड, और एक टाइम क्या गिवन है? 3 सेकेंड, राइट? यही है ना, 1 सेकेंड 3 सेकेंड। तो एस की वैल्यू एक काम करते हैं, एस वन निकालते हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, आप टाइम को 1 पुट करें, यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा? 2। एस वन आ गया, आप टाइम को यहां 3 पुट करें तो 3 पुट करके 3 का स्क्वायर प्लस 3 तो कितना आ गया? 12। एस वन आ गया, एस टू आ गया, तो कुछ नहीं करना, टाइम की वैल्यू पुट करो, एस आ गया, वही एस वन वही एस टू, कैलकुलस तो यूज ही नहीं करना है ना। टाइम को देखो, एस टाइम के साथ चेंज हो रहा है। मैंने पूछा टाइम 1 सेकंड पे एस कितना है, तो आपने 1 सेकंड पुट कर दिया। 3 सेकंड पे कितना है, आपने 3 सेकंड पुट कर दिया, तो एस वन एस टू आ गया। तो यहाँ पुट कर लो, एस टू की वैल्यू कितनी आई? 12। एस वन कितना आया? 2। और टाइम टी टू कितना है? 3। टी वन कितना है? 1। तो 10 डिवाइडेड बाय 2, जिनका आंसर 5 मीटर पर सेकेंड आया वो एकदम सही आया, डिफरेंशिएशन से आ गया। देखो पता क्यों आया? अगर डिफरेंशिएशन से आपका आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी गाड़ी की कांस्टेंट है, तो एवरेज भी वही है और इंस्टेंटेनियस भी वही है। अब मैं गाड़ी अगर घर से 60 की स्पीड से चलाता हूँ और मैं 60 का 61 नहीं करता, 60 60 60, तो मेरी एवरेज भी क्या आएगी? 60। हर इंस्टेंट भी क्या आएगी? 60। ये वो क्वेश्चन है, पर हर बार ये आंसर सेम आएगा जरूरी नहीं है, ठीक है? पर आप कोई ट्रायल ना करें कैलकुलस के साथ, मैं तो क्वेश्चन आसान कर रहा हूँ, उल्टा मैं तो कैलकुलस हटा रहा हूँ। जब एवरेज वर्ड आएगा तो टोटल चेंज बाय टोटल चेंज ही करना, कैलकुलस यूज नहीं करना। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो इसी के साथ आपकी डिफ्रेंसिएशन होती है खत्म, ठीक?